इस पानी को बनाने के लिए आपको सरसों चाहिए और सरसों को पीसना है आपको, जैसे मैंने पहले बताया था। फिर चाहिए आपको मेथी, ठीक है, एक चम्मच मेथी या एक से डेढ़ चम्मच मेथी, और ग्रीन टी, एक चम्मच ग्रीन टी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें चाहिए आपको। और फिर आपको इसमें पानी डाल के उबालना है, कम से कम एक से डेढ़ गिलास पानी डालना है आपको और फिर उबालना है। जब तक उबालना है तब तक ये आधा ना रह जाए। ये देखो, और मैं सरसों किस लिए डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ सरसों, क्योंकि जब हम ये पानी बनाते हैं और अपने बालों पे लगाते हैं ना, तो रूखा रूखा सा हो जाता है हेयर, तो इससे वो नहीं होता है, ठीक है, सरसों से रूखापन नहीं आता है, सरसों से सॉफ्टनेस आती है बालों में, अच्छा सा एक मतलब नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। और इसे लगाना कैसे वो आप लोग देख लीजिए। इसे आप पानी में मिलाकर भी अपने बालों को डिप कर सकते हो, ठीक है, बाल धोने के टाइम पे। जैसे मैं अपना मतलब बाल धो लिया है शैम्पू से, तो उसके बाद मैं पानी में डिप कर रही हूँ, मतलब पानी में डुबो रही हूँ अपने बालों को। तो मैंने 2 से 3 ढक्कन डाला होगा पानी के अंदर, और उसे अच्छे से घोल के फिर आपको पानी में अपने बालों को अच्छे से डुबो डुबो के निकालना है, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो, आप लोग बोलते हो ना दीदी एक बेस्ट पानी में डुबो के बन, मतलब जो पानी है उसमें डुबो कर हम बालों को डिप करें, तो उसके लिए एक बेस्ट रेमेडी बताएं। तो आप चावल और अलसी को नाइट में भिजो के रखो 2-2 चम्मच, और सुबह उसे उबाल कर आप पानी में डिप कर सकते हो उसे डालकर, ठीक है। चाहे तो आप अलसी का 1 चम्मच लेना और चावल का 2 चम्मच लेना, और उसे अच्छे से मतलब उबालना है, ठीक है। उबालने के बाद, छानने के बाद आपको लगा, देखिए बाल धोने का धोने के साथ में डिप कैसे करना है वो मैंने बता दिया है, मतलब पानी में कैसे मिला के हमें बाल धोने हैं तो वो मैंने बता दिया है। इधर आप लोग देख लिए एसेंशियल ऑयल मिलाने का तरीका, ठीक है, जब आपका ठंडा हो जाता है तभी आपको एसेंशियल ऑयल मिलाने हैं, ठीक है। रोजमेरी, और मैंने अभी जो मैंने एसेंशियल ऑयल ट्राई कर रही हूँ, मैं एवोकाडो वाला कर रही हूँ मैं, और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। एक बात बोलूँगी, एवोकाडो वाला जो एसेंशियल ऑयल है वो रोजमेरी और लेवेंडर दोनों का ही काम करता है। आप एक एवोकाडो वाला दोनों का दोनों के बदले एक डाल सकते हो, क्योंकि मैंने उसे ट्राई कर रही हूँ 15-20 दिन से, तो अच्छा है वो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और हाँ, इसमें आप लोग जो एसेंशियल ऑयल मिलाते हो उनके अलावा आपको जैतून का ऑयल मिलाना ज़रूरी है, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच मिलाना ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपके बालों में रूखापन नहीं आता है, ठीक है, जो ये पानी लगाने के बाद में रूखापन आता है ना, तो इस वजह से वो रूखापन नहीं आता आपके बालों में, ठीक है। और इसे लगाना कैसे है मैं एक बार और बता देती हूँ। इस पानी को आपको बाल धोने के बाद में लगाना है, ठीक है, और बाल धोने के बाद में लगाना है, और आपको दिन में 2 सर्दी है तो 2 टाइम, अगर गर्मी है थोड़ा हल्का हल्का गर्मी है तो 3 टाइम लगा सकते हो, नहीं तो आपको दोपहर में और शाम को तो जरूर लगाना है पक्का, ठीक है। लेंथ में नहीं लगाना है आपको, जड़ों में लगाना है, ठीक है इसे। और इसके ऊपर से आप ऑयलिंग करो, ठीक है। ऑयल करने के बाद में देखो, मैं बताऊं आपका बाल यहाँ से क्यों जाता है, एक बात बताऊं आपको यहाँ से क्यों जाता है, आप ऑयलिंग वाले बालों में अगर टोनर लगाओगे तो वो गीला हो जाता है बाल, और बाल कमजोर भी हो जाता है, तो उससे भी बाल जाता है, ठीक है।
ऑयलिंग वाले, आप ये प्रोसेस ऑयलिंग वाले बालों में करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। जिस दिन आप बाल धोते हो उसकी नाइट को आप लगा के, या बाल धोने से 2 घंटे पहले आप लगा के आप मॉर्निंग में सुबह हेयर वॉश कर सकते हो। पर आपको इसमें कॉम नहीं करनी है, लगाने के बाद में आपको जूड़ा बना के छोड़ देना है, ठीक है। आप इसे स्टोर करके वो कहते हैं ना, आप स्टोर करके आप इसे कम से कम 8 दिन ही रख सकते हो, 8 से 10 दिन, बस इतना। इतने से ज़्यादा नहीं रख सकती क्योंकि इसमें मेथी है, बदबू हो जाती है, ठीक है। स्टोर करके भी नहीं रख सकते। और अभी इसमें स्किप करने के लिए ये मत बोलना, इसमें स्किप करने वाली कोई चीज ही नहीं है। मेथी है, ग्रीन टी है और अपनी सरसों है, ठीक है, जो हर घर में उपलब्ध है, ठीक है। और ये मेथी टोनर मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, मेथी और ग्रीन टी का। सरसों मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि इससे सॉफ्टनेस आ जाती है सरसों से, और सरसों अपने बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, देखो जिसको मेरी वीडियो शेयर करनी है करिए, नहीं करनी है मत करिए, और जिनको लाइक करना है करिए, पसंद आती है वीडियो तो करिए, नहीं आती है तो मत करिए। पर मेरे ऊपर ये दबाव मत ही डालना बिल्कुल, के मुझे लोग पता है क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। पता है कैसे करते हैं यार, एक बात बताए, कौन यूट्यूबर है अपना पहले से ही सारी चीजें आपको मैसेज के द्वारा बता देगा। यार लोग तो मेंबरशिप ले लेके 150-150 रुपए, 200-200 रुपए, पता नहीं कितना लेते हैं, तब जाके आपको इतना सा बताएंगे। आप लोग मेरे से पूरी डिटेल ही लेना चाहते हो, आप लोग मेरे से पूरी डिटेल लेना चाहते हो। अरे आप मेरे को ये करके भेजो, वो करके भेजो। मैं जो पर्सनल है, मतलब मैं उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ जो नहीं करते हैं, और बहुत सी दीदियाँ हैं उनके बारे में भी नहीं कर रही हूँ। अगर वो सोचने लग जाए, अरे दीदी मैंने भी आपको बोला था तो आप मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे, नहीं। मैं बहुत से अलग टाइप के हैं जो मतलब मेंबरशिप के पैसे दे सकते हैं पर मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते, और मुझे आके यहाँ पे ये बता दो वो बता दो। अरे जिनके यहाँ से आप टकले हो के आए हो, जिनके यहाँ से टकले हो के आए हो मेंबरशिप ले लेके और उनकी रेमेडी इस्तेमाल कर करके, तो उन्हीं से पूछो ना, जहाँ पे 10-10 हजार का, 5-5 हजार का खर्चा किया है आपने एसेंशियल ऑयलों में, पाउडरों में, तो उन्हीं से पूछो ना जाके, जिनकी रेमेडी इस्तेमाल करके आप टकले हुए हो। बाबा मेरी रेमेडी इस्तेमाल करने के लिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, हाथ जोड़ के जिनको अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगता है तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, ठीक है, ओके। एक दीदी थी वो मेरे चैनल पे आके मेरे को बोलती है, मैंने 10 हजार का खर्चा किया, 5 हजार का खर्चा किया, फिर भी मेरा एक लेंथ बाल नहीं बढ़ा, ठीक है। उन्होंने एसेंशियल ऑयलों में, पाउडर में, नाम तो लेना नहीं चाहती कौन यूट्यूबर है, उसमें उन्होंने खर्चा किया, ठीक है। फिर मैंने बोला मैंने तो इतने का बताया है नहीं, इतने पैसे का मैंने तो आज तक कोई चीजें बताई है नहीं, मेरा सीधा तो मैं कोई बेफालतू चीजें बताती भी नहीं। फिर मैंने बोला दीदी आप किसकी रेमेडी इस्तेमाल करके आए, मेरे को ये तो बता दो, मेरा तो आपने किया नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे मैंने पहले कर लिया है, मैं 6 महीने पहले से इस्तेमाल कर रही थी तो मैंने कर लिया दीदी, इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं यही बात कहती हूँ, आप अगर मेरे चैनल पे आते हो और रेमेडी मेरी इस्तेमाल करते हो तो दिल से करो, ठीक है, ओके। और एक बात और, रेमेडी इस्तेमाल करने से सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास करना, ये विश्वास होता है एक सबसे बड़ी चीज, ठीक है। मैं किसी भी यूट्यूबर की रेमेडी हो अगर कोई बताता है तो उस पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। अगर मान ले उसकी कोई रेमेडी नहीं फायदा करती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसकी बुराई करना चालू कर दें, मैं हूं या कोई यूट्यूबर हो, ठीक है। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि कहीं आप किसी की रेमेडी इस्तेमाल करते हो वहां से टकले होके आते हो तो बाबा 5-5 हजार का खर्चा करते हो, 10-10 हजार का करते हो, तो पहले ही देख के ही किया करो कि हम पहले थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ले, उसके बाद में हमको फायदा पड़ेगा तब हम सामान मंगवा लेंगे, राइट है कि नहीं। आप वो तो आप लोगों को नहीं बोलते ना कि आप 10 हजार का सामान लो या 5 हजार का सामान लो,
वो तो नहीं बोलते ना, कोई भी हुआ। तो आप इस चीज को दिमाग में रखो कि आपको सामान अपने हैसियत के हिसाब से लेना है, ठीक है, जितना आप ले सकते हो। ओके।